फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू योर चैनल, वेलकम टू इंडियन ब्यूटी का। गाइस, मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को शुभ विजय दशमी की प्रीति शुभेच्छा ओ अभिनंदन। छोटोदेर आमार तरफ थेके अनेक अनेक भालोबाशा। तो गाइज, आप लोगों को जैसे कि पता है कि आज भी एक प्रोडक्ट की रिव्यू होने वाली है। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिए हो दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके प्रोडक्ट की रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हो मेरे हाथ में है प्लम की एवोकाडो नारिश हेयर मास्क। ये देख सकते हो, ये है इसकी बाहर की पैकेजिंग। काफी नाइस है और काफी बड़ी वाली टब है। और इसकी जो प्राइस है वो 675 है। इसकी टोटल क्वांटिटी है 250 ग्राम। दोस्तों, इसकी टब काफी अच्छी तरीके से अच्छी से भरी हुई है, मतलब वेटी लग रही है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं है। तो और इसमें एकदम मतलब ये आपकी हेयर को फ्रीज फ्री बनाएगा दोस्तों। और इसमें बहुत ये फ्री फ्रॉम सल्फेट्स है, सिलिकॉन्स, एल्कोहल, पैराबेंस, जिंक एंड प्रोपिलाइन एंड गाइक्लोल, ये सभी से ये फ्री है दोस्तों। ये जो है ये सुपरलेटिव गुडनेस है एवोकाडो के साथ, शिया एंड आर्गन इन दिस बटर। इसमें 100% वेगन है ये दोस्तों। इस ये जो मास्क है हेल्प करेगी आपको नरिश करने के लिए आपकी हेयर को, और सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाएगी दोस्तों। पर मतलब अगर आप अभी तक इसको लव नहीं कर बैठे तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने के बाद आप फर्क देख पाओगे दोस्तों। ये अभी बात कर लेते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों। इसको आपकी वेट हेयर पे, मतलब शैम्पू किए हुए बाल के ऊपर, भीगे हुए बाल के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी जितना भी सारा पानी है आप उसको अच्छे से मतलब निचोड़ लेना, और उसके बाद आपकी हेयर पे इसको लगा लेना है। थोड़ा बहुत अमाउंट लेके अब को स्ट्रैंड्स बाय स्ट्रैंड्स ऐसे करके लगानी है दोस्तों। हेयर की स्कैल्प पे नहीं लगानी है और सिर्फ हेयर की स्ट्रैंड्स पे लगानी है। और इसको लगाने के बाद 20 मिनट्स तक आपको इसको छोड़ देनी है। अच्छा होगा कि अगर आप शावर कैप पहन लो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। तो और ये टॉक्सिक फ्री प्रोडक्ट है, वेगन है एंड क्रुएल्टी फ्री भी है दोस्तों। और एक चीज मुझे ऐसी लगी, तो ये देख सकते हो ऐसी, मतलब आप जो भी जितने भी सारे मैसेज थी मतलब इसके बारे में बोली गई है, ये सब इस टाइप के ऐसे में लिखी गई हुई है। और इसकी जो टब है, सिर्फ ये वाली स्टिकर, मतलब इसको अगर हम मैं निकालूं, ये निकल जाएगा। आप देख सकते हो यहां पर से, ये देख सकते हो दोस्तों, ये यहां से निकल जाएगा। ये लो, मतलब पूरी के पूरे टब एकदम खाली। मतलब अगर आप चाहो तो, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर ये डिस्क्रिप्शन जो भी है, जो भी सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स है, अगर इसमें लिखी रहती तो शायद और भी अच्छा रहता। पर मुझे ऐसा लगा कि इसको तो इजीली कोई भी मतलब कॉपी कर सकती है ऐसे प्रोडक्ट को, और हार्मफुल बना सकती है हमारे लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को ऐसा लगा, क्योंकि जब भी मैंने मतलब कोई भी प्रोडक्ट्स होती है तो उसके बॉडी पे लिखी हुई रहती है, क्योंकि उसी को देख के हम लोग पहचानते हैं। पर इतना खाली वाला टब मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने प्लम की जो इंस्टा साइट है मैंने वहां पे चेक किया तो देखा दोस्तों, ये सभी इसको और कुछ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मुझे काफी अच्छी भी लगी दोस्तों। और मतलब अगर आप स्टिकर्स को निकाल दो, यहाँ पे भी ये स्टिकर्स नहीं रहते, मतलब ये ढक्कन भी, यहाँ पे भी ये स्टिकर्स आप निकाल सकते हो, तो आप इसको कुछ भी बनाने के लिए या फिर कुछ भी प्लांट्स रखने के लिए आप इसको इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। तो जो कि मुझे काफी फायदेमंद लगा और मुझे एक नई सोच लगी। तो ये वाला चीज मुझे अच्छी लगी। पर मतलब मुझे एक डाउट भी दिल में हो रहा है कि ऐसे में कभी कभी बार सुनने को आता है कि प्रोडक्ट्स चेंज हो गए, प्रोडक्ट्स बदल गए हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं आए, तो मैं उनमें से कैसे सिलेक्ट करूं कि ये प्लम ने ही भेजा है और प्लम की ही प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, उसकी सब कुछ डिटेल्स में पता है,
कभी कभी डर लगता है, तो ये मतलब मुझे थोड़ा बहुत डर लगा कि इसको पहली दफा यूज करने से कि ये कुछ होगा तो नहीं, तो मैंने इसलिए पहले अपनी जो हेयर है, जो इसके रूट्स है, मतलब एकदम नीचे वाले पोर्शन पे ही लगा के देखी, चेक किया, तो उसके बाद देखा था कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसके बाद मैंने अप्लाई की अपने पूरे हेयर पे, तो ये देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, देख सकते हो। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है मुझे, और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसको लगाने से मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, नहीं लगा मुझे। और बहुत अच्छी तरीके से नरिश्ड कर दी हैं, और आप लोगों को पता है कि आप देख सकते हो मेरी जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी है, पर ये अगर मैं बोलूँ कि ये कितने परसेंट तक मेरे ऊपर काम किए, तो मैंने ऑलरेडी 2 टाइम्स लगा चुकी हूँ इनको। और तो ये जो है, ये प्रोडक्ट, ये 60% तक अच्छे तरीके से मेरी हेयर के ऊपर काम करती है, क्योंकि मेरी हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाती है और बहुत जल्द हो जाती है। और जिन लोगों की थोड़ी बहुत स्मूथ बाल है, मतलब मैंने क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सिल्की रहते हैं, वो लोग अगर इसको इस्तेमाल करें तो वो अच्छे तरीके से मतलब एकदम देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो रहे हैं। मुझे भी, मेरे बाल को भी स्मूथ लगा, पर उतना बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर है ऑलमोस्ट दोस्तों। तो ठीक है, ठीक ठाक काम करती है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है मुझे। तो चलिए इसको लगा के पहले देख लेते हैं इस कैसे काम किया और क्या किया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। देख सकते हो दोस्तों, मैंने अच्छी तरीके से इसको शैम्पू करके वॉश कर लिया है, और मैं अभी इसको, ये जो हेयर मास्क है, इसको अप्लाई करने वाली हूँ। मैं फिलहाल इतनी सी ले रही हूँ, और मैं ऐसे स्ट्रैंड्स को डिवाइड करते हुए इसको लगाती जाऊंगी। मैं अपने हेयर जो स्कैल्प है उस पर नहीं लगाऊंगी दोस्तों। रूट्स में भी लगाऊंगी। मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया है दोस्तों, और मैं इसको 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूंगी, और 20 मिनट के बाद मैं इसको धो लूंगी। तो 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, तो मैं इसको धो के आती हूँ। देख सकते हो दोस्तों, मैंने अच्छी तरीके से जो अपनी हेयर है उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, और इसको वॉश करने में काफी अच्छी तरीके से वॉश करना है, क्योंकि ये आपके बालों में रहना नहीं चाहिए दोस्तों। और मतलब आप देख सकते हो, एकदम एकदम अच्छी लग रही है, अच्छी वाली फीलिंग्स हो रही हैं। तो अभी तो फिलहाल ये बाल गीले हैं, तो इसको सूखने देते हैं और देखते हैं। देख सकते हो दोस्तों, ये हल्की हल्की सूख चुकी हैं, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट और मैनेजेबल लग रहे हैं अभी से, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, और मुझे तो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा पसंद आया है दोस्तों। आई होप आपको ये वाला रिव्यू अच्छा लगा हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, कीप वॉचिंग।